लोग आए इस रेस्टोरेंट आ गए, भैया पूछ रहे थे कि सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है, तो भाई मैं तो बोला भैया जो सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है यही है चौधरी, तो भैया बोले चलो चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे चलते हैं अंदर और कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ घूमने की प्लानिंग बनती है फैमिली के साथ। गाइस सभी मंदिरों का हमने दर्शन कर लिया, सभी भगवान का, बस ये बुआ पता रहे कौन से भगवान, भीम भीम बाबा, भीम अम्बेडकर नहीं ना, भीम बाबा। गाइस कोई भीम बाबा भी देवता है, तो चलिए देखते हैं कहाँ पर, मैं पूछ लेता हूँ, मुझे तो पता नहीं है। और गाइस अभी यहाँ से दर्शन करने के बाद देखते हैं कहाँ की प्लानिंग बनती है घूमने। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गोरखपुर की गलियों से। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस एक बार फिर से फैमिली टूर बन चुकी है गोरखनाथ मंदिर जाने की एंड नौका विहार की वादियों में। तो गाइस सबसे पहले हम निकलते हैं यहाँ से गोरखनाथ मंदिर, आपको भी दर्शन करवाते हैं और हम लोग भी दर्शन करते हैं। और गाइस गोरखनाथ मंदिर से घूम के सीधे निकलेंगे नौका विहार की वादियों में। तो गाइस चलते हैं, आज मौसम देखो यार कितना सुहाना हुआ है, ये मौसम हुआ है घूमने लायक। तो निकलते हैं गाइस गोरखपुर की वादियों में। लो गाइस फिर से एक बार गोरखनाथ मंदिर फैमिली के साथ। ये रही फैमिली गाइस, ये देखो एक बार और मैं फैमिली को दिखा दूँ अपने। मम्मी बहुत ही धीरे चलती है, जहाँ भी मैं घुमाने लाता हूँ मम्मी थक गई, अभी पूरा घूमना है। और ये भाभी माँ हेलो हाय। ये देखो गाइस सामने एंट्री गेट है, मेन गेट। तो चलते हैं गाइस दर्शन करवाते हैं आपको भी गोरखनाथ मंदिर। लो गाइस फैमिली के साथ एंटर कर चुके हैं गोरखनाथ मंदिर। ये देखो यार जब हम लोग घर से निकले थे तो मौसम बहुत ही अच्छा था, लेकिन इस समय कड़ाके की धूप हो गई है, टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। सामने मंदिर है गाइस, मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है, तो भाई फ़ोन रख के ही मैं जाऊंगा अंदर दर्शन करके आऊंगा, और बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ अलाउ है फ़ोन वहाँ पे आपको दर्शन जरूर करवाऊंगा। यहाँ पे गाइस सूज जमा करना होगा पहले, तो यहाँ पे सूज जमा करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे गाइस फैमिली के साथ। ये भैया का सूज महंगा है, तो मैं भाभी जी से बोलूँगा कि वो अपने बैग में डाल ले, इसमें भाभी जी सही में डाल लीजिए नहीं तो चोरी हो जाऊँ, महंगा सूज है 7,500 का है। हो गया गाइस, बहुत ही भीड़ है जहाँ पे सूज जमा होती है, तो हमने यहीं पे साइड में लगा दिया अपना सूज। और सूज लगाने के बाद गाइस चलते हैं दर्शन करते हैं यार, और आपको भी करवाते हैं। ओ भाई पैर चल रहा है गाइस, बहुत ही कड़ाके की धूप हो गई है। और ये रही गाइस मेन मंदिर जय महाकाल। फ़ोन अलाउ नहीं है, देखो लिखा भी है मंदिर के अंदर फिट करके फ़ोटो लेना मना है। तो गाइस मैं यहीं पे कैमरा ऑफ करता हूँ, जैसे ही बाहर निकलूँगा तो कैमरा ऑन करूँगा। गाइस गोरखनाथ मंदिर के अंदर एक और मंदिर का निर्माण हुआ है, मैं वहाँ पे घुमाता हूँ, वो सबसे खूबसूरत मंदिर लगता है, मैं हाल ही में आया था। आगे है मैं दिखाता हूँ, ये देखो कितना भीड़ है आज, आज काफ़ी भीड़ है, पूजा पाठ कर रहे हैं लोग। ये देखो गाइस ये है, ये वही मंदिर है जो बहुत ही खूबसूरत जो मैं बता रहा था। ये देखो ये अभी नया निर्माण हुआ है मंदिर का, मैं दूर से दिखाता हूँ, ये देखो मस्त अयोध्या की तरह दिख रही है मंदिर। जो नया मंदिर निर्माण हुआ है इसमें भी दर्शन करवाते हैं आपको, इसमें तो शायद कैमरा अलाउ होगा। जय महाकाल हर हर महादेव। ये देखो गाइस यार कितना खूबसूरत मंदिर। चलिए बुआ जी माता जी भाभी माँ आइए। गाइस सभी मंदिरों का हमने दर्शन कर लिया, सभी भगवान का, बस ये बुआ पता रहे कौन से भगवान, भीम भीम बाबा, भीम अम्बेडकर नहीं ना, भीम बाबा। गाइस कोई भीम बाबा भी देवता है, तो चलिए देखते हैं कहाँ पर, मैं पूछ लेता हूँ, मुझे तो पता नहीं है। और गाइस अभी यहाँ से दर्शन करने के बाद देखते हैं कहाँ की प्लानिंग बनती है घूमने की। गाइस हमने सूज पहन लिया है और बुआ जी भीम बाबा को ढूंढ रहे हैं, मुझे को भाई भीम बाबा को यहाँ का भीम बाबा यार मैं पहली बार सुन रहा हूँ बुआ के मुंह से। ये नंदी बाबा को नहीं बोल रही हैं, ये नहीं ना, ये नहीं है, ये वाला नहीं है गाइस, मुझे लग रहा है एक मंदिर और भी सामने है वो वाला होगा। आइए सामने एक मंदिर है वो सामने दिख रहा है गाइस, तो भीम बाबा कोई करके हैं भगवान, उनका दर्शन पाना चाहती हैं बुआ। ये देखो मंदिर, हाँ यही है ना, क्या दिखा रहे हैं भैया,
हाँ वो योगी आदित्यनाथ महाराज जी मुख्यमंत्री गोरखपुर के वहीं रहते हैं। दर्शन मिल जाता लेकिन है नहीं। ये देखो यार कितना आम भरा हुआ है, भाभी बोले तोड़ने, हाँ तोड़ लीजिए पर्स में डाल लीजिए, लेकिन प्रशासन देख के ये देखो यार आम दिखा रहा है। और भाभी नाव पे चली गई, नाव पे वो देखिए कोई पोज मार रही है, यही है भीम बाबा, यही है। ये देखो गाइस यार बुआ जी कभी से ढूंढ रहे थे भीम बाबा, जय भीम बाबा, हाँ यही भीम बाबा। हाँ अच्छा अच्छा आइए, मैं भी बोलिए यार हमेशा आता हूँ, मैं देखा हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यही भीम बाबा हैं। ये देखो गाइस भीम बाबा को मैं दिखा दूँ, ये भीम बाबा, ओहो ये देखो जय भीम बाबा। मछली, कौन सी मछली है? रोहू भैया की फेवरेट मछली। आजा हटना दिखाना मैं, ये देखो रोहू मछली कहाँ गई भाई, ये देखो ये 5 किलो की मछली है एक। ये भाभी जी का फेवरेट मछली है, भाभी आपका फेवरेट मछली रोहू किधर है? ये इधर है, ये किधर आ रहा है, ये हाँ डालिए बुआ जी खाने के। तो गाइस सभी के लिए मंदिर से, गोरखनाथ मंदिर से हम लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि सभी को भूख लगा, हम लोग सुबह ही निकले थे तो एक भैया बोले थे अच्छा सा रेस्टोरेंट कोई हो, तो चलते हैं गाइस थोड़ा सा भोजन वोजन नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ की प्लानिंग बनती है। तो गाइस रेस्टोरेंट आ गए, भैया पूछ रहे थे कि सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है, तो भाई मैं तो बोला भैया जो सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है यही है चौधरी, तो भैया बोले हैं चलो चलते हैं। तो गाइस यहां पे चलते अंदर और कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद देखते हैं कहां घूमने की प्लानिंग बनती है फैमिली के साथ। ये देखो ऑटो गाइस, ये ऑटो से ही सवारी करने में मजा आता है क्योंकि फोर व्हीलर में भाई उल्टी होती है सबको, माता जी को भी, भाभी को, सबको, मेरे को भी। चलो गाइस एंटर करते हैं चौधरी में, फास्ट फूड वगैरह नाश्ता पानी करते हैं, चलो एंटर करते हैं। आजा चंदन। अरे भाई ये तो यार अभी वो तो एसी मिला है यार, भाई इधर ना यार, स्वीट यार स्वीट मस्त मस्त मिलता है, देख रहे हो ना चौधरी में स्वीट सबसे फेमस, मस्त मिलता है यार भाई पूरा स्पेशल। ये देखो रसमलाई, रसगुल्ला, कालाकंद, गुलाब जामुन। गाइस ऑर्डर जो है जो भी भैया ऑर्डर देंगे, जो भी देंगे वही खाएंगे। ये देखो भैया जी ऑर्डर दे रहे हैं, ये देखो गाइस फैमिली चेंबर बन चुकी है यहाँ पे, फैमिली चेंबर चौधरी स्वीट हाउस के अंदर से ना गाइस। ये देखो विजय पिक्चर पैलेस दिख रहा है जिसमें हम लोग मूवी देखने जाते हैं। चलो भाई बुआ और मम्मी जी और भाभी मामी आ गए। गाइस जो हल्का फुल्का नाश्ता है वो आ चुका है, अभी जो मेन आर्डर है ना भोजन का वो अभी बहुत से टाइम लग रहा है। तो ये देखो जो हल्का फुल्का नाश्ता है ना भाई पनीर चिल्ली, तो पनीर चिल्ली में थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे सभी हम लोग मिल के, फैमिली पूरी फैमिली। क्या इधर से स्टार्ट करो भाई, इस पनीर चिल्ली समाप्त होने के बाद पनीर टिक्का इसका भी टेस्ट लेते हैं हल्का फुल्का, उसके बाद गाइस हमारा मेन आर्डर आएगा भोजन का। मम्मी पता क्या है? पनीर टिक्का, पनीर टिक्का, पनीर टिक्का। गाइस फाइनली भोजन भी आ चुका है, तो करते हैं गाइस फटाफट से भोजन ख़त्म। देखो भैया भी और भी कुछ आर्डर कर रहे हैं, क्या मम्मी? ये मम्मी चटनी नहीं है, ये पनीर वाला है, पनीर की सब्जी है। तो गाइस भोजन वगैरह हो गया है, फुल पेट पूजा। तो गाइस यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं नौका विहार की वादियों में, फैमिली को भी घुमाते हैं और आपको भी घुमाते हैं और शाम का माहौल दिखाते हैं, तो चलते हैं सीधा नौका विहार की वादियों में। तो चलो गाइस निकलते हैं नौका विहार की वादियों में। ये देखो अपने धन्नो भी आ गए हैं, अभी मम्मी, ये देखो मम्मी जी आ रही हैं, बुआ जी, छोटा भाई।
लोग आए इस नौका विहार की वादियों में, नौका विहार वाले रूट पे। हम लोग तो दोस्तों के साथ आते हैं तो जूह चौपाटी का मजा लेते हैं, तो मैंने सोचा बड़े भैया भाभी और बुआ जी और माँ इन लोगों को भी थोड़ा सा यार आनंद लेने देते हैं। ये हम लोग बोलते हैं भाभी जी मिनी जूह चौपाटी। अभी चंदन भाई और पट्टू भैया अभी वो दो बाइक से आ रहे हैं। ये देखो नौका विहार की वादियों में जूह चौपाटी। क्या करें भाभी जी, गाइस थोड़ा सा टाइम देते हैं यहाँ पे, इंजॉय करते हैं, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं नौका विहार की वादियों में, फैमिली को घुमाते हैं यार, घुमाने सुमाने के बाद निकलते हैं घर सीधे। चलो गाइस अब जूहू चौपाटी का आनंद ले चुके हैं, अब निकलते हैं सीधे नौका विहार की वादियों में यार, वहाँ भी कम से कम आधा घंटा टाइम देते हैं और पूरा नौका विहार की वादियों फैमिली को घुमा कर उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। गाइस सूर्य भगवान ने हमारी प्लानिंग जो नौका विहार की वादियों में घूमने की थी वो चेंज कर दी है, देख रहे हो ना गाइस, बहुत ही भयंकर यार धूप, बहुत ही भयंकर धूप। तो गाइस हम लोग प्लानिंग बना लिए हैं अब सीधे घर निकलने की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमने घूम लिया है नौका विहार की वादियों में, तो चलते हैं गाइस सीधे निकलते हैं घर की तरफ। लो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर, अब गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए हुए, तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस ऐसे ही अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।